तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंडक्राफ्ट में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बनाने वाले हैं एक और कमाल की टेक्निक। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक कमाल की टेक्निक लेके आया हूँ जो माइंडक्राफ्ट में काम करती है, और आप इसकी मदद से अपने लिए, जी हाँ, आप अपने लिए ढेर सारे और अनलिमिटेड जो है आप लोग एमरल फार्म बना सकते हो। तो दोस्तों, आज से पहले किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि आप अपने लिए एमरल डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी अगर अपने माइनक्राफ्ट में एमरल डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आपको इसके लिए ऑब्जर्वर और आपको एक स्टिकी पिस्टन चाहिए, उसके साथ आपको एक हॉपर लीवर और साथ ही आपको यहाँ पे रेस्टोन भी चाहिए, और इसके साथ आपको चाहिए एक स्लाइम बॉल और आपको अब तो ये सब आपको चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्टिकी पिस्टन रखना है जिसका मुंह ऊपर होना चाहिए। तो इसका मुंह जो है ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक स्लाइम बॉल रखना है, नीचे आना है, इसके नीचे से आपको एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसके बाद आपको डिक करना है इस तरह, तो देख सकते हो इस तरह से आप डिक कर लीजिएगा। डिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे से ऑब्जर्वर लगाना है, इस तरह से नीचे से ऑब्जर्वर लगाइए, उसके बाद इसके राइट में डिक कर लीजिए ऐसे, इस तरह से, और इसके पास में आपको कोबल स्टोन लगा देना है। तो इस तरह से आप जो भी स्टोन यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर लेना है, तो वाटर हम ले लेते हैं, वाटर लेना है, वाटर को यहाँ पे आपको डालना है इस तरह से, यहाँ पे डिक करना है, डिक करना है, डिक करना है, इस तरह से डिक कर लीजिए पूरी तरह से, इस तरह से आपको डिक कर लेना है, तो इस तरह से बन जाएगा आपको। अब एक यहाँ पे चेस लेनी है, यहाँ पे डिक कर लीजिए इस तरह से। डिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक चेस रखनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको हॉपर कनेक्ट करने हैं, तो चेस के पीछे आपको जाना है, हॉपर कनेक्ट कर लेने, हॉपर कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दोबारा से इस तरह से पूरी तरह से कवर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी मॉब अंदर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, तो इस तरह से आपको इसे कवर कर लेना है, कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हो ताकि हमारा रेस्टोन यहाँ पे आ सके। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक ब्लॉक लेना है, यानी कि आपको एमरल का ब्लॉक लेना है, उसे आपको ऊपर लगाना है, ऊपर इस तरह से लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोरल, यानी कि आपको डेड कोरल जो होते हैं वो आपको लेने हैं, तो यहाँ पे डेड कोरल आप ले लीजिए, जिसे आपको यहाँ पे स्लाइम बोल के यहाँ पे लगाने हैं, तीनों तरफ लगा दीजिएगा, इस तरह से लगाइएगा। लगने के बाद आपको रेडस्टोन लेना है, उसे आपको ऑब्जर्वर के पीछे से लगाते हुए ऊपर इस तरह से लेके आना है लीवर के पास, और यहाँ पे आपको लीवर एक्टिव करना है, इस तरह से आपको बनाना है, देख सकते हो, तो बन जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है और अब आपको ये मशीन एक्टिव करनी है, तो अब आपको मशीन एक्टिव करनी है। एक बार एक्टिव कीजिए, दूसरी बार दो से एक्टिव करोगे तो ऑटोमेटिक ये मशीन काम करेगी, इस तरह से वर्क करेगी। और आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके डायमंड यानी कि आपके जो एमरल ब्लॉक है वो यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये केवल बेडरॉक एडिशन में काम करेगा, तो आप इसे केवल बेडरॉक में ही यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।